फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नए साल की शुरुआत से अब तक अंडे और चिकन के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी ही है। पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े कारोबारियों और किसानों का कहना है कि कोरोना की मार एक बार फिर से चिकन और अंडे की डिमांड पर पड़ रही है। बाजार जल्दी बंद हो रहे हैं, घर से लोग कम निकल रहे हैं, इसलिए बिक्री भी घटी है। बीते कुछ दिनों में थोक मार्केट में चिकन और अंडे की कीमतें 30% तक लुढ़क गई हैं। दिल्ली के सटे इलाकों के रिटेल मार्केट में एक अंडा अब 6-7 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह रिटेल मार्केट में चिकन के दाम 180 रुपए प्रति किलो हो पहुंच चुके हैं। वहीं एग कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी कीमतों के मुताबिक नए साल में लगातार 11वें दिन अंडे के दाम लुढ़के हैं। दिल्ली के बाजार में 100 अंडे की कीमत अब गिरकर 500 रुपए पर आ गई है। वहीं हैदराबाद में इस समय सबसे कम अंडे के दाम है, वहां 440 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से अंडे बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा थोक बाजार में चिकन 90 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। एग कोऑर्डिनेशन कमेटी पर दी गई कीमतों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस समय सबसे अधिक अंडे की मांग मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंडे की कीमत 533 रुपए प्रति सैकड़ा है। इसी तरह राजधानी लखनऊ में दाम 533 रुपए प्रति सैकड़ा है। दिल्ली के बाजार में लगातार पाबंदी के कारण खरीदार कम हो गए हैं। पोल्ट्री फार्मर्स की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। पहले बढ़ती लागत ने किसान को पनपने नहीं दिया, अब कोरोना की मार ने किसान और कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी मौसम में दोनों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बाजारों के जल्दी बंद होने से डिमांड बैठ गई है। अभी किसान के घरों से एक मुर्गे की कीमत 9 से 100 रुपये है, वहीं रंगीन मुर्गे की कीमत 110 से 130 रुपये। इसके अलावा सोयाबीन की कीमत स्थिर है, जबकि मक्का जो बिहार से आता है उसके दाम बढ़ गए हैं। वैसे तो बिहार से 1800 से 1990 रुपए प्रति क्विंटल में मिल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने से ये और महंगा हो जाता है। इसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपए क्विंटल तक पहुंच रही है। इसका मतलब साफ है कि लागत दोगुनी हो चुकी है। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए हैं, इसलिए डिमांड तेजी से गिरी है। एक किलो चिकन की कीमत 120 रुपए किलो पर आ गई है, वहीं आम खरीदार तक पहुंचते इसका दाम बढ़कर 180 से 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर अंडे पर पड़ा है। इसके अलावा इस मौसम में सबसे अधिक मुर्गियों को बचाने में परेशानी होती है। दिसंबर के 2 सप्ताह तक तो अच्छी कीमत मिली, लेकिन अब सब परेशान है। कारोबारियों का कहना है कि अब तक कुछ भगवान भरोसे है। हालांकि कारोबारियों को उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते में स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।